गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी। तो सबसे पहले डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हमारे डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या आता है, पॉपुलेशन का साइज कितना, क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, एंड इट डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पर, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं डेमोग्राफी के अंदर। अब वर्ड डेमो है, डेमोग्राफी, ये डेमो और ग्राफी टू वर्ड्स को मिक्स करके बनाए, जिसमें हमारे डेमो मतलब होता है द पीपल, मतलब लोग, और ग्राफी मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब नापना। जब हम लोगों को नापते हैं कितना एरिया में रह रहे हैं, पॉपुलेशन नापते हैं, सब उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है डेमोग्राफिक डेटा की? फर्स्ट है, हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पीपल, their composition and distribution. तो health status है हमारे किसी community पे, ये depend करता है कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, क्या composition है, ठीक है, और क्या किस distribution से रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, ओवर क्राउडेड है, और कहीं पे बिल्कुल लोग नहीं है। तो ये सब चीज़ हमारा health status को signify करता है। Second है, planning of health services can be guided by demographic trends. तो हमारा health services कि हमारा हमें कहाँ पर कैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ये भी हमारा जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है ये हमें गाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी हेल्थ यूनिट्स डू वी नीड, कि कितने हेल्थ यूनिट हमें प्रॉपर एक जगह चाहिए। तो ये सब देखो खुद से, यह कि हमारा पॉपुलेशन का कितनी है एक जगह पे, उस पॉपुलेशन में मेल कितने, फीमेल कितने, एडोलेसेंट कितना है, बच्चे कितने, तो ये सब से ही तो हम प्लान करेंगे ना कि क्या हेल्थ सर्विसेज देनी है। इसीलिए हमारे डेमोग्राफिक बहुत नीड है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन कम्युनिटी, हमें कैसे कम्युनिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन ऑर्डर टू एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन, इस ऑर्डर में, ताकि हम हर पॉपुलेशन पे, हर टारगेट पे एक्सेस कर सकें। बट टाइप ऑफ मैन पावर इज नीडेड, कैसी हमें मैन पावर चाहिए उस एरिया में। फिर है एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफिक, अब हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं वो डेमोग्राफिक के, जैसे कि साइज होता है कि कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, ये कभी कभार इंक्रीज होता है और कभी कभार डिक्रीज होता है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब उन लोग, वो लोग कैसे बने हैं, मतलब क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, एज ग्रुप, कितनी एज के अंदर कितने लोग आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा एरिया कितने स्क्वायर मीटर्स का है, कितना किलोमीटर्स का है, ठीक है, कितना टेरिटरी, ये हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। फिर सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफी, पॉपुलेशन सेंसस, अब हमें डेमोग्राफी कैसे पता चलती है एक एरिया की, जब हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस मतलब जो हम हर 10 ईयर्स में पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है, नेशनल सैम्पल सर्वे रजिस्ट्रेशन, वाइटल इवेंट्स, वाइटल इवेंट्स में हमारा मॉर्बिडिटी, मोर्टैलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेटा ऑन, अब हमारा ज़्यादातर डेटा क्या है, सोर्सेज डेटा के, सब पहले है डेमोग्राफिक, सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी एंड एजुकेशन, फोर्थ हाउसिंग एंड हाउस होल्ड, फिर है अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी, कि वहाँ पे कितना फर्टिलिटी रेट है, कितना मोर्टैलिटी रेट है, मोर्टैलिटी रेट मतलब डेथ रेट है, शेड्यूल कास्ट कितना है, शेड्यूल ट्राइब्स कितना है, लैंग्वेज कैसा है वहाँ का, रिलीजन कितना, कितना लोग कितने रिलीजन में है, माइग्रेशन कैसा। डेमोग्राफिक प्रोसेस, डेमोग्राफिक प्रोसेस है, इट डील्स विद द 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस, हमारे डेमोग्राफिक प्रोसेस 5 चीज़ों से डील करता है। फर्स्ट वन इज फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी मतलब कि कितने लोग अभी हमारा इस टाइम पे फर्टाइल हैं, ठीक है, आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये हमारा फर्टिलिटी में आता है। मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब कि कितने लोग, मतलब डेथ हो गई, क्या डेथ रेट है, मैरिज, कितने लोग हमारा मैरिज वाले एज में है, माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब कितने लोग हमारा एक जगह से दूसरी जगह उठ के गए हैं, सोशल मॉर्बिलिटी, ठीक है। अब हमारा डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक साइकिल का हमारा अलग अलग स्टेज है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। तो हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट, हमारा फर्स्ट स्टेज को जिसको हम हाई स्टेशनरी स्टेज भी बोलते हैं, ये हमारा कैसे पता चलेगा, इसमें हमारा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, हमारा डेथ रेट भी बहुत इंक्रीज होगा, इसमें नो एनी चेंज इन साइज एंड पॉपुलेशन, लेकिन इसमें पॉपुलेशन का कोई
चेंज नहीं होगा, उसके साइज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना बर्थ हुआ उतने डेथ हो गई, तो इक्वल हो गया. इंडियन इंडिया वॉज इन दिस स्टेज इन 1920, और इंडिया हमारा 1920 में इस स्टेज में था, हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज. अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, जिसमें डेथ रेट हमारे कम होने स्टार्ट हो गए, लेकिन हमारा बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आया. तो इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इससे क्या होगा, जब लोग ज्यादा पैदा होंगे, मतलब लोग उतने ही पैदा हो रहे हैं लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, तो ये हमारा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में आएगा. फिर है हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज. लेट एक्सपेंडिंग स्टेज को हम थर्ड स्टेज भी बोलते हैं. द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, इसमें हमारा जो बर्थ रेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइल द डेथ रेट स्टिल डिक्रीज, ठीक है, और जिससे हमारा और हमारा जो डेथ रेट है, लोगों के मरने वाला रेट है वो कम होने शुरू हो जाएगा. कंटिन्यू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इससे हमारा पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज होगा. नो स्टेशनरी और फोर्थ स्टेज. नो स्टेशनरी और फोर्थ स्टेज में क्या है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट. ये स्टेज कैसे कैरेक्टराइज होगा, इसमें बर्थ रेट कम होगा एंड लो डेथ रेट, और डेथ रेट भी बहुत कम होगा. स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन, इससे हमारा पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, मतलब बर्थ रेट भी लो, पैदा भी नहीं हो रहे और डेथ भी नहीं हो रही, तो इक्वल स्टेज. डिक्लाइनिंग या फिर फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज को हम फिफ्थ स्टेज ही बोलते हैं. इन द डिक्लाइनिंग स्टेज बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट फॉल इन पॉपुलेशन, जिसमें हमारा बर्थ रेट कम होगा एज कम्पेयर टू डेथ रेट, जिससे हमारा पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम होगा. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन और फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. प्राइमरी डेटा कलेक्शन में हम लोग हर इंडिविजुअल से जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उससे जाके पूछेंगे, तो ये हमारा प्राइमरी में आएगा. इसकी एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, डायरी, ठीक है. सेकेंडरी में आएगा हमारा जब हमने पूछ के नहीं, हमें किसी और सोर्स से इंडिविजुअल के बारे में पता चला, वहाँ के पॉपुलेशन के बारे में पता चला, वो कैसे, सेंसस, नेशनल सर्वे, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, डेमोग्राफिक स्टडीज, रिपोर्ट्स. अब हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. अब उस डेटा को हम कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे. सबसे पहला है डेटा इज कलेक्ट, डेटा इज कलेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन. जो डेटा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से. द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो या तो डायरेक्टली या क्योंकि इंडिविजुअल मतलब उस इंसान से जाके कलेक्ट करे, बाय फेस टू फेस सर्वे, फेस टू फेस सर्वे से. सेकेंड है डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग सेंसस, और डेटा या तो हम सेंसस के थ्रू कलेक्ट करें. डेटा रिलेटेड टू हेल्थ फ्रॉम एन इंडिविजुअल, या तो डेटा हम कलेक्ट करें फेस इंडिविजुअल की हेल्थ के बारे में, उससे जाके पूछ के डेटा रिलेटेड टू इलनेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल, या फिर उस इंडिविजुअल की इलनेस, उसकी बीमारी के बारे में जाके उससे पूछ. डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द सोर्स सच एज रिकॉर्ड्स. कुछ डेटा हम आउटसाइड द सोर्स भी कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, वो कैसे है, रिकॉर्ड्स के थ्रू. डेटा टेकन फ्रॉम हॉस्पिटल रिकॉर्ड, डेटा जो हम हॉस्पिटल से जाके रिकॉर्ड से उनका मेडिकल रिकॉर्ड्स होता है, वहाँ से जाके हमने रिकॉर्ड लिया उस उधर की पॉपुलेशन का. डेटा फ्रॉम सेंसस, डेटा कलेक्टेड नीड टू बी अरेंज इन टेबल. अब जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उसको हमारा प्रायोरिटी है फर्स्ट ऑल कि हमें उस डेटा को अरेंज करें टेबल पे, तो चार्ट्स में या फिर डायग्राम्स में, ग्राफ्स में, पिक्चर्स में, जिसमें हमें ईजिली हम उसको पढ़ सके. देखो जैसे ये डेटा है इसको हमने बार ग्राफ में डाला है, तो हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं ना कि कब पॉपुलेशन ज्यादा है कब कम है, ये सब चीजें. लाइन ग्राफ के टेबल फॉर्म, पाई चार्ट. सेंसस ऑफ इंडिया इन 2011. अब 2011 में सेंसस क्या था इंडिया का, in 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन इंडिया. 1872 में पहला सेंसस हमारा इंडिया में हुआ था. The census of India 2011 will be the 15th census and the 7th after independence. तो जो 2011 में हमारा census हुआ था वो हमारी country का, हमारे India का 15th census count हुआ था. और अगर independence के बाद देखा जाए, मतलब आज़ादी के बाद जब हमें ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, उसके बाद 7th census हुआ था 2011 का. लेकिन अगर उसको स्टार्टिंग से 1872 में गिन कर से काउंट करके चले तो हमारा 15th था.
census 2011 will mark a milestone as a national population register NPR will also be prepared. तो हमारे 2011 में जो census हुआ था वो हमारे लिए milestone था, ठीक है, क्योंकि इस time पे NPR और will also be prepared, national population register भी prepare हो रहा था, तो इसीलिए ये हमारे लिए थोड़ा milestone की तरह work कर रहा था. First phase में house listing and house census and collection of data on national population register. April to September 2011. April से लेके September 2011, 2010. April से लेके September तक 2010 में house listing मतलब हर घर first phase में ये हुआ था, हर घर जाके house listing करा था, house के हिसाब से census लिया था, फिर data collect किया था, फिर उसको हमने national population register में सारा fill किया. सेकेंड फेज में पॉपुलेशन इनमोरेशन हुआ था 9th to 28th February 2011. फिर क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस इन द कंट्री, इसमें हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस बना था कंट्री का, हेल्पिंग बेटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट स्कीम. इसमें क्या हुआ था कि हमारा जितना भी लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से बेनिफिट्स मिल सके, जो भी टारगेट पॉपुलेशन है गवर्नमेंट जिन लोगों के पॉलिसीज बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोग्राम्स बनाती है, स्कीम्स बनाती है, वो हर लोगों को प्रॉपरली मिले, ठीक है. तो ये हमारा सेंसस से ये चीज़ और ईजी हो गई थी, हमें पता चल गया था कि कहाँ पर टारगेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है. फिर इम्प्रूव प्लानिंग, हमने फिर इम्प्रूव इसको प्लानिंग भी कर सकते थे. ये हमारा सेंसस था इंडिया का 2011 में, टोटल पॉपुलेशन था 1,021,000, ठीक है. इसमें से मेल इतने थे, फीमेल इतना था. डेसिटल पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 17.64% था. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारा 382 पर स्क्वायर किलोमीटर. सेक्स रेशियो 940 फीमेल्स के हमारे पास पर 1000 मेल्स पे. पॉपुलेशन इन द एज 0 to 6 ईयर्स की अगर हम एज देखें तो हमारे पास टोटल 13.12% हमारा 0 to 6 ईयर की एज में आता था टोटल पॉपुलेशन में. लिटरेट थे जिसमें हमारा टोटल मेल थे 82.14% लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, और फीमेल थी 65.46% फीमेल्स पढ़े लिखे थे. आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन फिर हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के अंदर हमारा क्या था, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिल्डिंग. इसमें हमारा जो ये आइटम्स थे हमारे इंफॉर्मेशन में, इनमें ये सब चीज़ें इंक्लूड की. सबसे पहला इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन ऐसी जिसमें बिल्डिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जैसे यूज क्या है, क्वान्टिटी, क्वालिटी, अवेलेबल टू द हाउस होल्ड, possessed by the household, use of houses, drinking water कैसा है, availability and types of latrines, electricity, ये सब हमारा उस housing census के अंदर involved था. Information of items of information, items मतलब उस information के अंदर क्या क्या items है, उस chart के अंदर सबसे पहले name of person, relationship to head, father's name, mother's name, spouse name, gender, date of birth, marital status, place of birth, nationality, present address of usual residence, duration of stay at present address, permanent residential address, occupation, activity और educational qualification. ये हमारे 15 चीज़ें थी जो हम लोगों का जो NPR था उसके अंदर include.